हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वाति की नॉलेज। सो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए टैली प्राइम का चैप्टर थर्ड, रिकॉर्डिंग एंड मेंटेनिंग अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का लेक्चर नंबर 17 लेकर आई हूँ, इन विच वी विल लर्न द इंट्रोडक्शन एंड रिकॉर्ड डे टू डे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन टैली प्राइम यूजिंग अकाउंटिंग वाउचर। इन दिस वीडियो वी विल लर्न ओनली द रिसिप्ट वाउचर, मीन्स हाउ टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन रिसिप्ट वाउचर। सो लेट्स मूव ऑन द टॉपिक। इंट्रोडक्शन। Accounting is the practice of maintaining a record of financial dealing of a business. Means accounting क्या है? Accounting आपकी जो financial transaction होती है उनको record करने का एक क्या होता है? Process होता है. It involves identifying business transaction, recording them and summarizing the same in the such way that important financial information can be communicated to stakeholders of the business. Means की जो भी आप transaction क्या कर रहे हो, record कर रहे हो financial transaction, so सबसे पहले हमें record करने के लिए identify करना पड़ता है business transaction को। Means की जो हम transaction record कर रहे हैं वो cash है या non cash है, then हम उसको क्या करेंगे, record करेंगे। record करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको समराइज करेंगे। तो ये हमारी क्या थी, इंट्रोडक्शन थी। इन दिस चैप्टर वी शैल सी हाउ डे टू डे ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डिंग इन एन एक्चुअल बिजनेस सिनेरियो एंड द सिंप्लिसिटी ऑफ रिकॉर्डिंग एंड जनरेटिंग रिपोर्ट थ्रू टैली प्राइम। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि डे टू डे जो ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं, एक्चुअली वो बिजनेस एक्चुअली में बिजनेस में उनका क्या सिनेरियो होता है, कैसे वो रिकॉर्ड होती है, कैसे उनकी जनरेट होती है रिपोर्ट्स, वो हम टैली प्राइम में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में एंड तक बने रहे अगर आपको पूरी अकाउंटिंग सीखनी है। और मैं इससे पहले की प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी गिवन है। अगर आप पूरी अकाउंटिंग सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करें और वीडियो देखें। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन टैली प्राइम। रिकॉर्डिंग ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इज द फर्स्ट स्टेप इन एन अकाउंटिंग साइकिल। मीन्स कि अकाउंटिंग का हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना। मीन्स जो भी आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हो रही है उनको क्या करना होगा, आपको फर्स्ट स्टेप में रिकॉर्ड करना होगा जो भी आपकी डे टू डे पर हो रही है। एंड देन वहां पर आपको किस टाइप की एक्टिविटी देखने को मिलेगी, लाइक परचेज हो गई, सेल हो गई, पेमेंट हो गई, या फिर आपको पेमेंट रिसीव हो गई, पेमेंट टू वेंडर और पेमेंट फ्रॉम कस्टमर। या तो आप कस्टमर से रिसीव करोगे पेमेंट, या आप किसी वेंडर मीन्स सेलर को पेमेंट करोगे। तो ये ट्रांजेक्शन आपको बिजनेस में डे टू डे देखने को मिलती रहती है। इफ एनी वन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज नॉट रिकॉर्डिंग प्रॉपरली और इज मिस्ड आउट, द फाइनेंशियल रिपोर्ट विल नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंपनी। मीन्स कि अगर इन केस आपकी क्या हो जाती है, ट्रांजेक्शन कोई आपकी मिस हो जाती है, प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं होती, तो उसका आपके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर करेक्ट मतलब कि कोई रिफ्लेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो आपने रिकॉर्ड ही नहीं करी है, तो उसका कोई रिफ्लेक्शन पड़ेगा नहीं, उस पर कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि वो आपने बिल्कुल ही छोड़ दिया ट्रांजेक्शन। अगर आपने अमाउंट का एरर करा है तो आपका जो भी रिकॉर्ड होगी, फाइनेंशियल पोजिशन होगी कंपनी की, उस पर रिफ्लेक्ट पड़ेगा। Under the manual system of accounting, transaction are first recorded in the book of original entry called journal as per the golden rule of accounting. Means कि जो manual system की अगर हम बात करें accounting transaction में, जो हम पहले करते थे, तो first step क्या होता था, वहां पर जहां पर हम क्या करते थे, original entry को record करते थे, जिसको हम बोलते हैं journal। ये होता है journal, ओके, एज पर द गोल्डन रूल। मीन्स कि जो भी हमारे गोल्डन रूल्स है अकाउंटिंग के, उसमें हम इसको क्या बोलते थे, जर्नल बोलते थे। लेकिन वही अगर हम बात करें टैली प्राइम में किसी भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के, तो फर्स्ट क्या होता है हमारा, फर्स्ट स्टेप क्या होता है इसमें हमारा, होता है क्रिएशन ऑफ लेजर फॉर द रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि जो भी हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके लिए लेजर क्रिएट करना। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन टैली फॉलोज द गोल्डन रूल ऑफ अकाउंट। टैली जो होती है वो गोल्डन रूल तो फॉलो करती है, लेकिन इसका फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, लेजर क्रिएट करना होता है। वही अगर मैनुअल सिस्टम की बात करें तो वहां पर हमारा क्या होता था, आपको जर्नल बुक क्रिएट करनी पड़ती थी। तो ये हमारा डिफरेंट हो जाता है एक कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम और एक मैनुअल सिस्टम में। इट इन्वॉल्व द यूजेस ऑफ सेपरेट वाउचर फॉर द रिकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन लाइक परचेज वाउचर विच आर यूज फॉर द रिकॉर्डिंग परचेज एंट्री, सेल्स वाउचर आर यूज रिकॉर्डिंग फॉर द
सेल एंट्री, डेबिट नोट वाउचर टू रिकॉर्ड परचेज रिटर्न एंट्री, क्रेडिट नोट वाउचर फॉर रिकॉर्डिंग द सेल्स रिटर्न एंट्री। मींस कि टैली में आपको सेपरेट सेपरेट वाउचर क्या हुए हैं, प्रोवाइड हुए हैं। मींस कि अगर आपकी परचेज से रिलेटेड एंट्री है तो वो परचेज वाउचर के अंडर जाएगी, सेल्स से रिलेटेड है तो सेल्स वाउचर के अंडर जाएगी। वहीं अगर परचेज रिटर्न से कोई रिलेटेड एंट्री है तो आपकी वो डेबिट नोट वाउचर में जाएगी, एंड देन सेल्स रिटर्न से रिलेटेड है तो वो आपके क्रेडिट नोट वाउचर में ही एंट्री एंटर की जाएगी, कोई अदर वाउचर में एंट्री रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। तो ये हमारे क्या हो जाता है, टैली का बेनिफिट हो जाता है कि हमें अलग अलग वाउचर क्या होते हैं, प्रोवाइड होते हैं, कोई एक ही बुक में हमें रिकॉर्ड नहीं करते रहना, सेपरेट सेपरेट हो जाता है, तो हमें कैलकुलेशन करने में वो क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है, और फाइनेंशियल पोजिशन देखने में भी ईजी हो जाता है। और टैली में क्या होता है कि आफ्टर द ट्रांजेक्शन आर एंटर्ड यूजिंग वाउचर पोस्टिंग टू लेजर एंड द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑटोमेटिकली इन टैली प्राइम। मीन्स कि आप लेजर क्रिएट कर देते हो, वाउचर में एंट्री पोस्ट कर देते हो, तो आपके टैली प्राइम में ट्रायल बैलेंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो जाती है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। मैनुअल अकाउंटिंग में हम क्या करते थे, ट्रायल बैलेंस खुद क्रिएट करते थे, उसमें एंट्री पोस्ट करते थे, एंड देन ऐसे ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्रिएट, कैश फ्लो अकाउंट बनाते तो उसमें हम क्या करते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, उसमें हम खुद पोस्ट करते थे मैनुअल अकाउंटिंग सिस्टम में। बट वहीं अगर हम बात करें किसकी, टैली प्राइम की, तो हमें कुछ ऐसा नहीं करना पड़ता, सिर्फ और सिर्फ हमें एंट्री पोस्ट करनी पड़ती है वाउचर में, और उस बाकी के काम रिपोर्ट्स जो होती हैं वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट हो जाती हैं, सिर्फ हमें चेक करनी होती है कि क्या उसकी फाइनेंशियल पोजिशन रही है और क्या नहीं रही है, क्या उसका ग्रॉस प्रॉफिट है, क्या उसका नेट प्रॉफिट है, वो हमें बाय डिफॉल्ट निकल कर आ जाएगा हमारे सामने। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग वाउचर इन टैली प्राइम, कि कैसे हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग वाउचर में एंट्रीज। देयर आर स्पेशलाइज्ड वाउचर टाइप फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, द वाउचर टाइप आर यूज टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ एंट्रीज ट्रांजेक्शन इन टैली प्राइम। बेसिकली हमें टैली प्राइम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रांजेक्शन के लिए डिफरेंट डिफरेंट क्या मिले हैं, वाउचर मिले हैं। तो वाउचर हमारे टैली प्राइम में कई टाइप के होते हैं, लाइक अकाउंटिंग वाउचर हो गया, इन्वेंट्री वाउचर हो गया, ऑर्डर वाउचर हो गया, या फिर आपका क्या हो गया, पेरोल वाउचर हो गया। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर का एक रिसिप्ट वाउचर एक पार्ट होता है वो हम इसमें सीखेंगे, और आने वाली वीडियो में आगे के अकाउंटिंग वाउचर सीखेंगे। तो बेसिकली हमारे अकाउंटिंग वाउचर कौन कौन से हैं वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, ये हमारे सारे जो आपको ये टेबल मीन्स ये चार्ट में शो हो रहे हैं, टैली प्राइम में कौन कौन से अकाउंटिंग वाउचर होते हैं वो आपको चार्ट में शो हो रहे हैं। कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जर्नल, सेल्स, परचेज, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिवर्सिंग वाउचर एंड मेमोरेंडम वाउचर। ये हम वन बाय वन क्या करेंगे, सीखेंगे कि इनमें हम कैसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रिसिप्ट वाउचर की एंट्री कैसे करते हैं टैली प्राइम में। तो फ्रेंड्स अब हमारा आता है टू क्रिएट अ वाउचर इन टैली प्राइम। बेसिकली वाउचर कैसे क्रिएट करते हैं हम टैली प्राइम में, उसके स्टेप्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं। गेटवे ऑफ टैली पर जाना होगा, जो कि आपकी स्क्रीन शो होती है एक फ्रंट पे, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन बोलते हैं जिसको। देन आपको अंडर ट्रांजेक्शन जाना है एंड एंटर करना है आपको वाउचर पे। मैं आपको यहाँ पर टैली प्राइम की स्क्रीन में लाइव करके दिखाती हूँ कि कैसे जाना है आपको। ये आपकी क्या है, टैली प्राइम की स्क्रीन है, मैंने बोला गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन भी बोलते हैं इसको। तो यहाँ पर आपको हाईलाइट करके दिखाया हुआ है कि गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन भी होती है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ट्रांजेक्शन के अंडर आपको वाउचर पर क्लिक करना होगा, जिसकी शॉर्टकट की होती है वी। तो आप ये क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस टाइप की स्क्रीन होती है। बाय डिफॉल्ट हमारा पेमेंट वाउचर आ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आपको पेमेंट वाउचर के राइट साइड में जाओगे तो यहाँ पर कुछ शॉर्टकट की शो होंगी। तो यहाँ पर आपको F10 अदर वाउचर पर क्लिक करना है, जिसकी शॉर्टकट की F10 भी है। अगर आप यहाँ से किसी वाउचर पर जाना चाहते हो तो आप यहाँ से भी क्या कर सकते हो, वाउचर चेंज कर सकते हो, मीन्स चेंज वाउचर टाइप। मैं पेमेंट वाउचर पे थी, मैं रिसिप्ट वाउचर पर जाना चाहती हूँ तो मैं रिसिप्ट पर क्लिक करूंगी या शॉर्टकट की प्रेस करूंगी F6, तो मैं यहाँ पर क्या हो गई, आपकी रिसिप्ट वाउचर पर पहुंच गई। एंड देन यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन होगा जो कि आपकी जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+H, चेंज मोड। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, मोड चेंज कर सकते हो, मीन्स कि आप डबल एंट्री में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हो या सिंगल एंट्री में। डबल एंट्री में क्या होता है कि आपको टू और बाय दिखता है, या फिर डेबिट या क्रेडिट दोनों दिखते हैं, या सिंगल एंट्री में सिर्फ आपको क्या दिखेगा, एक ही मीन्स कि एक ही साइड का दिखेगा, या तो डेबिट का दिखेगा या क्रेडिट का दिखेगा। मैं आपको दोनों साइड में दिखाऊंगी, डबल एंट्री में क्या होता है और सिंगल एंट्री में क्या होता है। तो
तो जो चीज़ मैंने आपको F10 अदर वाउचर और चेंज मोड बताया वो आपको यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि क्या क्या कैसे कैसे जाना है और कहाँ पर शो होता है। अब हम देखते हैं बिजनेस सिनेरियो। बिजनेस सिनेरियो में क्या है, आपकी एक रवि सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसकी कैपिटल है 20 लाख इन अप्रैल 2020। द कंपनी ट्रेड इन होलसेल एंड रिटेल सेल्स ऑफ मोबाइल फोन कंप्यूटर एंड कंप्यूटर एसेसरीज। ओके, द कंपनी हैड एन अकाउंट SBI करंट अकाउंट कोटक करंट अकाउंट एंड फॉर द बिजनेस पर्पज। द कंपनी हैज ऑलरेडी मेंटेन द चार्ट ऑफ अकाउंट रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजेक्शन फ्रॉम अप्रैल 2020। यहाँ पर कह रहा है कि रवि सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि आपको फर्स्टली क्रिएट करनी है वो, और यहाँ पर क्या बोल रहा है, वो बिजनेस किस में करती है, होलसेल और रिटेल में करती है, ठीक है। और उसके करंट अकाउंट दो है, SBI करंट अकाउंट और कोटक करंट अकाउंट। तो यहाँ पर हमें क्या करनी है, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है। तो यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। एनी मनी रिसीव बाय द बिजनेस कंसर्न फ्रॉम द सेल और एनी अदर सोर्स कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ओनर इज कंसिडर्ड रिसिप्ट एंड एंटर्ड बाय यूजिंग द रिसिप्ट वाउचर इन टैली। यहाँ पर कहने का मतलब है रिसिप्ट वाउचर का आप तब यूज करोगे जब आपको रिसिप्ट मतलब रिसीव होना, नाम से ही पता चल रहा है आपको, कोई भी मनी आपको क्या हो बिजनेस में आपके रिसीव हो तो आप उसकी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट वाउचर में करोगे, चाहे वो सेल से रिसीव हो, चाहे वो कैपिटल के थ्रू रिसीव हो, या कोई अदर पर्पस से क्या हो आपकी मनी रिसीव हो बिजनेस में, तो आप उसकी ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ रिसिप्ट वाउचर में रिकॉर्ड करोगे। वो हमारे कौन सी हो जाती है, रिसिप्ट वाउचर होता है, जिसकी शॉर्टकट की है F6, आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो प्लीज ये नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। रिसिप्ट वाउचर इज यूज फॉर टू टाइप ऑफ रिसिप्ट, रिसीव्ड आइदर बाय कैश और बैंक फॉर ऑल लेजर एक्सेप्ट फॉर बैंक सेल एंड परचेज लेजर। यहाँ पर कहने का मतलब है रिसिप्ट आपकी किसी दो टाइप से हो सकती है, कैश के थ्रू हो सकती है रिसिप्ट, या फिर आपको कुछ मनी रिसीव हो सकती है बैंक के थ्रू, तो आप दोनों को ही क्या करोगे, रिसिप्ट वाउचर में ही रिकॉर्ड करोगे। यहाँ पर आपको टाइप 1 दे रखा है कैश रिसिप्ट, अगर आपके कैश रिसिप्ट होती है, यहाँ पर टाइप भी क्या हुआ है कैश रिसिप्ट फ्रॉम अ कस्टमर टूवर्ड्स एन इनकम, आपको इनकम के थ्रू इनकम के फॉर्म में क्या हो रखी है कस्टमर से कैश रिसीव हुआ है। तो यहाँ पर देखो कैश क्या है, हमारा एसेट है, इनकम हमारे क्या है, इनकम होती है, ठीक है। तो हमें कस्टमर से क्या हुआ, कैश रिसीव हुआ, कैश रिसीव हुआ मतलब कैश आया, आया मतलब एसेट बढ़ा। एसेट क्या है, हमारा रियल अकाउंट का पार्ट होता है, रियल अकाउंट का रूल होता है हमारा डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश रिसीव हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, डेबिट कर रखा है। तो इनकम इसलिए कर रखा है, इनकम हमारा पार्ट होता है नॉमिनल अकाउंट का, जिसका रूल होता है हमारा डेबिट ऑल इनकम, सॉरी डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस। तो इसलिए हमारा क्या हो रहा है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेंस, तो इनकम हमारी क्या है, नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट होगी। इसलिए टाइप 2 में हमारा अगर बैंक के थ्रू कोई रिसिप्ट होती है तो यहाँ पर कैश की जगह क्या हो जाएगा, बैंक हो जाएगा, बैंक भी हमारा क्या है, बैंक में एसेट कैश आ रहा है, मींस बैंक एक एसेट ही होता है, इसलिए रियल अकाउंट का पार्ट है, तो इसलिए डेबिट कर रखा है। और कस्टमर से रिसीव हो रहा है, बैंक किसी के थ्रू, बैंक में किसी ने तो ट्रांजेक्शन करी होगी, किसी ने तो डिपॉजिट करा होगा हमारे अकाउंट में, तो रिसीव हो रहा है हमें। तो कस्टमर, कस्टमर क्या है, पर्सनल है, मीन्स एक पर्सन ही होगा कोई अगर कस्टमर है, तो पर्सनल अकाउंट का जिसका रूल होता है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो गिवर है हमारा कस्टमर, इसलिए हमने उसको क्या करा है, क्रेडिट करा है। उसके बाद यहाँ पर क्या आ रहा है, रिसिप्ट वाउचर कैन बी रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग 2 मोड्स, कि हमारा रिसिप्ट वाउचर है वो 2 मोड में रिकॉर्ड किया जा सकता है, एक डबल एंट्री, एक सिंगल एंट्री, जो कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले इसी वीडियो में मीन्स आपको शो कराया था टैली में कि हम कौन कौन से मोड में एंट्री कर सकते हैं रिसिप्ट वाउचर में या कोई अदर वाउचर में। तो यहाँ पर डबल एंट्री का मतलब होता है जिसमें हमें डेबिट और क्रेडिट फील्ड शो होती है, सिंगल एंट्री में क्या होता है आपको पर्टिकुलर शो होगा और अमाउंट फील्ड शो होगी, सिर्फ यही शो होगा, डेबिट और क्रेडिट शो नहीं होता उसमें।
और यहाँ पर क्या होता है, अलाउ टू डेबिट एंड क्रेडिट मल्टीपल अकाउंट एट अ टाइम, मीन्स एक टाइम पर आप बहुत सारे क्या कर सकते हो, अकाउंट्स को डेबिट भी कर सकते हो और क्रेडिट भी कर सकते हो। वहीं अगर सिंगल एंट्री की बात करें तो अलाउ टू डेबिट ओनली वन अकाउंट, कि आप डेबिट में सिर्फ एक ही अकाउंट क्या कर सकते हो डाल सकते हो, और क्रेडिट में हम मल्टीपल अकाउंट क्या कर सकते हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। ये थी हमारे डबल एंट्री मोड और सिंगल एंट्री मोड का डिफरेंट। ओके, ये डिफरेंस था हमारा। तो ये जो दो टू मोड्स है हमारे, कौन से, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री मोड्स, ये हमारे सेम पेमेंट वाउचर में भी होते हैं और कॉन्ट्रा वाउचर में भी होते हैं। ओके, तो ये बात याद रखना, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है, दीज टू मोड्स आर कॉमन फॉर रिसिप्ट पेमेंट एंड कॉन्ट्रा वाउचर। ये एग्जाम के पर्पज से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है, जब आप क्या करोगे टैली लेवल वन का एग्जाम दोगे तो ये जरूर पूछा जाता है, तो इसलिए ये नोट कर लेना। अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन की, रिकॉर्डिंग रिसिप्ट वाउचर इन टैली प्राइम, की हम रिसिप्ट वाउचर में कैसे एंट्री करते हैं, तो वो देखते हैं। हमारा क्या है, वाउचर हमारा रिसिप्ट है, मिस्टर सुनील ओनर ऑफ द रवि सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड इंट्रोड्यूस ₹20 लाख एज कैपिटल टू स्टार्ट अ बिजनेस। मीन्स कि मिस्टर सुनील क्या है, हमारा ओनर है, मिस्टर सुनील ओनर ऑफ द रवि सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर सुनील क्या है, हमारे रवि सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसका ओनर है, जिसने बिजनेस को स्टार्टअप करने में, कैपिटल का मतलब होता है बिजनेस को स्टार्टअप करने में जो अमाउंट लाया जाता है वो हमारा कैपिटल होता है। तो वो कितने रुपए लाया है, ₹20 लाख लाया है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। द डिपॉजिटेड वॉज मेड थ्रू द चेक ऑफ कैनरा बैंक वाइड नंबर दिस विच वॉज डिपॉजिटेड इन SBI करंट अकाउंट। यहाँ पर कह रहा है वो कि वो कैनरा बैंक से लाया है, मीन्स कि उसने कैनरा बैंक से ₹20 लाख दिए हैं और डिपॉजिट किस में करे हैं, SBI करंट अकाउंट में। तो मीन्स कि हमारे बिजनेस में आया कैश, आया किस में, बैंक में आया, SBI करंट अकाउंट में आया, तो ये डेबिट होगा, क्यों, हमारा रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट में एसेट अगर आता है तो वो डेबिट होता है। ऑनर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, मींस कि जब भी हमारी कैपिटल इंट्रोड्यूस मींस कि इंक्रीज होती है तो हम क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं, वही अगर अगर कैपिटल डिक्रीज होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारे बिजनेस में कैपिटल आ रही है, इंक्रीज हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब हम इसकी एंट्री क्या करते हैं, सबसे पहले टैली प्राइम में करके देखते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारी क्या है, टैली प्राइम की गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ट्रांजैक्शन के अंडर वाउचर पर जाना है और क्लिक करना है, या फिर कीबोर्ड से शॉर्टकट की आपको क्या करनी है, प्रेस करनी है V। तो आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है उस, अगर आपको रिसिप्ट वाउचर पर जाना है, अगर आपके अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन की स्क्रीन में कोई और वाउचर खुल रहा है तो आपको F6 शॉर्टकट की प्रेस करके क्या करना है, रिसिप्ट वाउचर पर आ जाना है। एंड देन आपको यहाँ पर क्या करना है, क्रेडिट, क्रेडिट में आपको क्या करना था, ऑनर कैपिटल अकाउंट क्रिएट करना है। एंड देन आपको सबसे पहले आपको लेजर क्रिएट करना है, लेजर अगर आप, मैंने ऑलरेडी क्रिएट करना सिखा रखा है, अगर आप लेजर कैसे क्रिएट करते हैं वो देखना चाहते हैं तो वो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, अगर आपने लेजर क्रिएट नहीं करना है और आप अकाउंटिंग वाउचर के स्क्रीन पर आ गए हैं तो Alt+C शॉर्टकट की प्रेस करना है और ऑनर कैपिटल टाइप कर देना, ऑनर कैपिटल अकाउंट। ओके, यहाँ पर टाइप करना और अंडर में आपको कैपिटल अकाउंट लेना है और एंटर एंटर करके आप क्या कर दोगे, एक्सेप्ट कर लोगे। मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है तो मैं वहां से सेलेक्ट करूंगी, मेरा क्या है ऑनर कैपिटल अकाउंट, तो मैंने वो सेलेक्ट कर लिया। ओके, तो यहाँ पर कितने से करना है, मुझे ₹20 लाख से करना है, तो मैं क्या करूंगी, क्रेडिट में 20 लाख टाइप करूंगी, यहाँ पर अमाउंट वाले, यहाँ पर क्रेडिट में ये जो आपको शो हो रहा है, यहाँ पर मैं क्या करूंगी 20 लाख टाइप करूंगी, क्योंकि मैं कैपिटल कितने लेकर आई हूँ, 20 लाख की लाई हूँ। ओके, 20 लाख टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये डेबिट में आपको मेरा बाय डिफॉल्ट आ रहा है बिकॉज मैंने ये ट्रांजेक्शन ऑलरेडी ऑलरेडी कर रखी है, तो आप डेबिट में क्या करोगे, SBI करंट अकाउंट सेलेक्ट करोगे। अगर आपने ये नहीं क्रिएट कर रखा तो सेम स्टेप है, Alt+C शॉर्टकट की प्रेस करना और पहले लेजर क्रिएट करना, तो यहाँ पर वो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। एंटर एंटर करके आप क्या करोगे, इसका जो डेबिट वाला बैलेंस है वो बाय डिफॉल्ट आएगा, यहाँ पर आपको बार बार इनपुट डालने की यहाँ पर नीड नहीं होगी। एंड देन एंटर एंटर करके आपको यहाँ पर क्या करनी होगी, नरेशन भी टाइप करनी होगी, यहाँ पर चेक DD
20 लाख रुपए। इंस्ट्रूमेंट नंबर मींस चेक नंबर डालना होगा यहाँ पर आपको, इंस्ट्रूमेंट डेट मींस चेक पर क्या डेट है वो डालनी होगी, बैंक नेम डालना होगा, और यहाँ पर आपको क्या करनी होगी, नरेशन डालनी होगी। यहाँ पर आपको क्या करनी होगी, नरेशन डालनी होगी, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय ऑनर, इंट्रोड्यूस बाय द ओनर, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, नरेशन डालना होगा। नरेशन डालने के बाद एंटर एंटर करके कुछ इस टाइप की स्क्रीन आएगी लास्ट में एक्सेप्ट की, ये एंटर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर ले, यस पर क्लिक कर दे, या फिर एंटर प्रेस कर दे, या फिर शॉर्टकट की प्रेस करके कंट्रोल प्लस ए जिसकी होती है वो एक्सेप्ट कर ले। तो यहाँ पर आपकी क्या हो गई, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई। देखो यहाँ पर क्या हो गया, आपकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई रिसिप्ट वाउचर में। तो ऐसे हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट वाउचर में कोई भी ट्रांजेक्शन। तो जो मैंने आपको वहां पर टेलीप्राइम की स्क्रीन पर शो करके बताया, वो मैंने आपको यहाँ पर पीडीएफ में भी उसका सॉल्यूशन दे रखा है कि कैसे कैसे आपको स्टेप फॉलो करने हैं, कैसे लेजर क्रिएट करना है। ओके, तो वो आप यहाँ से भी देख सकते हो। देखो यही सेम स्क्रीन आ रही थी, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो रिकॉर्डिंग रिसिप्ट वाउचर, डबल एंट्री में कर सकते हो, सिंगल एंट्री में भी कर सकते हो। ओके, चेंज मोड की मैंने शॉर्टकट की बता दी थी, कंट्रोल प्लस एच होती है। ओके, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रिसिप्ट वाउचर में एंट्री कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। देखो यहाँ पर सेम ऐसे ही आ रही थी, ये आपके सिंगल एंट्री में, मैं आपको सिंगल मोड में भी करके बता देती हूँ कि सिंगल मोड में कैसे होती है। तो आपको सिंगल मोड में करने के लिए शॉर्टकट की प्रेस करनी होगी, कंट्रोल प्लस एच प्रेस करना होगा, सिंगल एंट्री पर क्लिक करना होगा, तो कुछ इस टाइप की स्क्रीन आएगी। अकाउंट में किस अकाउंट में रिसीव हो रहे हैं आपके, मीन्स आ रहे हैं रिसीव हो रहे हैं कैश, तो SBI में हो रहे हैं, तो वो SBI करंट अकाउंट यहाँ पे सेलेक्ट करें, पर्टिकुलर कहाँ से हो रहे हैं वो यहाँ पर टाइप करें, मीन्स ऑनर कैपिटल है क्या है वो यहाँ पर करें, ऑनर कैपिटल है तो हम यहाँ पर ऑनर कैपिटल अकाउंट करेंगे, ऑनर कैपिटल करेंगे, और यहाँ पर अमाउंट में आपको जितना की कैपिटल आप लेकर आ रहे हो 20 लाख की, तो आप क्या करोगे, 20 लाख यहाँ पर टाइप करोगे और एंटर एंटर करके नरेशन डाल के आप क्या कर लोगे, को रिकॉर्ड कर लोगे। तो हमारी क्या हो गई, रिकॉर्ड हो गई ट्रांजेक्शन सिंगल एंट्री मोड में भी और डबल एंट्री में भी। तो ऐसे करते हैं हम रिकॉर्ड रिसिप्ट वाउचर में कोई भी ट्रांजेक्शन। तो ये सिंगल एंट्री में आपको यहाँ पर पीडीएफ में शो हो रहा है, मैंने आपको टैली में भी करके दिखा दिया कि कैसे देखते हैं। अब हम बात करते हैं व्यूइंग द रिसिप्ट वाउचर इन रिपोर्ट, मीन्स की रिसिप्ट वाउचर की जो ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड करी है वो उसकी रिपोर्ट आप कैसे देखोगे। द रिसिप्ट वाउचर रिकॉर्डेड इन टेलीप्राइम विल कैप्चर इन कैश बुक या बैंक बुक, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लेजर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट रजिस्टर एंड कैश फंड फ्लोज रिपोर्ट। मींस कि जो भी आप रिसिप्ट वाउचर की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे तो उसका रिफ्लेक्शन किस किस अकाउंट पर पड़ेगा, किस किस बुक पर पड़ेगा, किस किस स्टेटमेंट पर पड़ेगा, वो आपको यहाँ पर शो रहे। कैश बैंक बुक हो गया, बैलेंस शीट हो गया, P&L हो गया, लेजर हो गया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हो गया, एंड रिसिप्ट रजिस्टर हो गया, और कैश फंड फ्लो हो गया। तो यहाँ पर कैसे देखते हैं वो देखते हैं। टू चेक द लेजर वाउचर रिपोर्ट इन टेली प्राइम, तो उसके स्टेप्स क्या है, फ्रॉम द रिसिप्ट वाउचर क्रिएशन स्क्रीन से आपको ऑल्ट प्लस जी या गो टू पर जाना होगा। तो मैं वो आपको क्या करती हूँ करके दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, रिसिप्ट वाउचर की स्क्रीन पर है, यहाँ पर ऑल्ट प्लस जी जो कि टॉप मेन्यू पर दिख रहा है, यहाँ पर जाने के बाद कॉमन रिपोर्ट यहाँ पर दिख रहा है। ओके, यहाँ से आपको क्या करना है, कॉमन रिपोर्ट के यहाँ से आपको सर्च यहाँ पर फाइंड करना होगा, सर्च करना होगा लेजर वाउचर, या लेजर वाउचर पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है, एंड देन आपको ऑनर कैपिटल अकाउंट का करना है सर्च। तो यहाँ पर ऑनर कैपिटल, देखो यहाँ पर हमने 3 रिसिप्ट वाउचर की एंट्री क्या कर रखी है, रिकॉर्ड कर रखी है 20-20 लाख की। देखो यहाँ पर आपको अमाउंट में भी शो हो रहा है। ओके ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि ऐसे रिपोर्ट देखते हैं हम। ठीक है, तो ये स्टेप भी मैंने आपको दिखा दिए। ये देखो ऐसी ही कुछ स्क्रीन आई थी आपकी लेजर वाइज टेलीप्राइम में, ये देखो सेम ऐसी आ रही है आपकी ऑनर कैपिटल के अंडर। यहाँ पर ये देखो ऑनर कैपिटल लेजर के अंडर आपको ये सारे शो हो रहे हैं, तो ऐसे ही मैंने आपको दिखाया था, तो ये आपको मैंने दिखा दिया है। ओके, तो ऐसे हम क्या करते हैं, रिपोर्ट देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट अकाउंटिंग वाउचर कॉन्ट्रा वाउचर देखेंगे। तो वीडियो को जरूर देखें, अगर अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको पूरी वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक ऑलरेडी आपको गिवन है,
और मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, तो प्लीज़ अकाउंटिंग सीखिए, बहुत हेल्पफुल है और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है। टैली प्राइम में आप सीखोगे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ये और बहुत ज़्यादा अर्निंग भी है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स अ लॉट।